प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसराइल के हाइफा शहर भी जाएंगे। हाइफा वही शहर है जिसे पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने मुक्त कराया था। 1918 की इस लड़ाई में शहीद हुए 44 भारतीय जवानों के सम्मान में वहां पर एक स्मारक बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी वहां जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। ये तस्वीरें इसराइल के उस शहर की हैं जिसका भारत से पुराना रिश्ता है। हाइफा इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर, समुद्र के किनारे होने के कारण इसराइल के इस शहर की खासी अहमियत है। इसी हाइफा में बना है एक ऐसा कब्रिस्तान जो भारत और इसराइल के इतिहास की एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। ये सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं बल्कि भारत के बहादुर सैनिकों की शौर्य का स्मारक है जिसका जिक्र इसराइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। दिस इज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस फॉर 44 ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन इन लिबरेट द सिटी दैट सिटी। टुमारो आई विल ट्रैवल टू हाइफा टू पे होमेज टू अवर ब्रेव इंडियन सोल्जर्स। इसराइल के हाइफा में भारतीय सैनिकों के इस स्मारक का एक रिश्ता दिल्ली के तीन मूर्ति चौक से भी है। यही वजह है कि तीन मूर्ति मार्ग का नाम बदलकर तीन मूर्ति हाइफा मार्ग करने की मांग होती रही। इस तीन मूर्ति मार्ग का नाता इसराइल से ही है। जी हाँ, भले ही आपको सुनकर हैरानी हो लेकिन सच्चाई यही है। दरअसल पहले विश्व युद्ध के दौरान जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब भारत के तीन राज्यों जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर से भेजे गए सैनिकों ने ऑटोमन एम्पायर से फिलिस्तीन के लोगों की मुक्ति के लिए युद्ध लड़ा था। हाइफा शहर उस वक्त फिलिस्तीन का हिस्सा हुआ करता था। 23 सितंबर 1918 को हुए उस युद्ध में एक तरफ तलवार और भालों के साथ घोड़ों पर सवार भारतीय रियासतों के सैनिक थे और दूसरी तरफ मशीन गन और बंदूकों से लैस तुर्क। इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ तुर्कों का मुकाबला किया बल्कि हाइफा को उनके कब्जे से आजाद करवाया। इसी युद्ध में कई भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। आज भी 23 सितंबर को वहां पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। वहीं उन बहादुर भारतीय सैनिकों के सम्मान में ब्रिटेन ने दिल्ली में अपने प्रधान सेनापति के बंगले के बाहर 1922 में ये तीन मूर्तियां लगवाई जिसपे तीन सैनिक भाला लेकर खड़े हैं। दरअसल ये तीनों मूर्तियां भारत की उन तीन रियासतों जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर की सैन्य टुकड़ी का प्रतीक है जिन्होंने इसराइल के हाइफा में अपनी बहादुरी का जौहर दिखाया था। ब्रिटिश रिजीम के अंडर में जो इंडियन फोर्सेज लड़ रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, उसमें तीन ग्रुप्स थे, तीन कैवेलरीज थी जो हाइफा के अंदर लड़ रही थी और उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा हाइफा को ऑटोमन एम्पायर से फ्री करने में। हाइफा और तीन मूर्ति के इसी कनेक्शन के कारण इस साल अप्रैल में एनडीएमसी काउंसिल में तीन मूर्ति मार्ग के नाम में हाइफा जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया लेकिन तब उस पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया था। कुछ कारणों से कंसेंसस ना होने के कारण उसको पोस्टपोन कर दिया गया, दैट द आइटम वाज डेफर्ड। जो नाम बदलने की बात आ रही है इसके अंदर ऐसा नहीं कि तीन मूर्ति हट रहा, तीन मूर्ति हाइफा मार्ग कहने की बात है या तीन मूर्ति हाइफा चौक कहने की बात है तो वो कनेक्ट कर रहा है इसलिए कि वो तीन मूर्ति उन्हीं को सिम्बलाइज कर रहे हैं। तो हाइफा जुड़ जाने से जो इंडियन हिस्ट्री का वो एस्पेक्ट जो अनसीन था, अननोन था, वो अब फोर फ्रंट पे आ जाएगा। इस प्रतीकात्मक जो तीन मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं जिनके सामने लिखा भी हुआ है जोधपुर लैंसर्स, इसी तरीके से तीनों तरफ मैसूर और हैदराबाद लैंसर्स भी लिखा गया है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा महत्व है इस तीन मूर्ति मार्ग का और इसी को लेकर लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।